कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर गाइडलाइंस जारी कर दी है। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान भी वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। वहीं शासन और प्रशासन ने अस्पतालों को बेड भी रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं। इसी निर्देश के तहत राजधानी स्थित लोकबंधु अस्पताल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अस्पताल में 20 बेडों का वार्ड तैयार किया गया है। इसकी निगरानी खुद अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी द्वारा की जा रही है। ओमिक्रॉन को लेकर अस्पताल प्रशासन की क्या तैयारी है, इसको लेकर डेली इंसाइडर ने अस्पताल के एमएस से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर से पूरे विश्व के लिए इस परेशानी का सबब बन चुका है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रदेश सरकार ने तमाम तरीके की गाइडलाइन जारी की है और इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में हैं, जहां पर ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूर्ण रूप से जो व्यवस्थाएँ हैं वो समुचित कर दी गई हैं। कोरोना क्वारंटीन वार्ड बनाया गया है, जिसके अंतर्गत रेड जोन बनाए गए हैं और 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है लोकबंधु में। क्योंकि अगर देखा जाए तो साफ तौर पर जो प्रदेश सरकार है उसने साफ ये कह दिया है कि किसी भी तरीके से जो ओमिक्रॉन है वो देश में ना फैले, उत्तर प्रदेश में पैर ना पसारे। क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर ने तबाही मचाई थी उसको देखते हुए एक बार फिर से पहले से ही सारी चीज़ें जो है वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। और अगर बात करें लोकबंधु अस्पताल की, तो हमारे साथ लोकबंधु अस्पताल के एमएस हैं, उनसे बात करेंगे। सर, प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि ओमिक्रॉन को लेकर किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, सब चीज़ व्यवस्था रूप से रहे और जो बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन की जाए। क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, कल हमें शाम को आदेश सीएमओ सर ने दिया था कि आप अपने अस्पताल में कोविड के लिए तुरंत ही जो नए वेरिएंट है या जो भी आएंगे पॉजिटिव, उसके लिए तुरंत व्यवस्था करिए। तो हमने 20 बेड का एक ऐसा आइसोलेटेड वार्ड तैयार किया जिसमें एंट्री और एग्जिट वो अलग अलग तरीके का है, मतलब एक सा अलग से है। हॉस्पिटल का और कोई डिपार्टमेंट इसमें मर्ज नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये अलग से हमने 20 बेड का कम्प्लीट कर दिया है, जो कि कोई भी अगर पेशेंट आएगा दिन में या रात में तो हम उसको ले पाने में सक्षम होंगे। इसमें हमने डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगा दी है और स्टाफ की भी ड्यूटी लगा दी है, सारे लोग तैयार हैं। और अगर इन केस कोई केस आएगा हमारे पास तो हम उसको ले लेंगे। सर, डॉक्टर्स को क्या निर्देश दिए गए यहाँ के? देखिए, जैसे हम लोग, चूँकि हम लोग का हॉस्पिटल ऑलरेडी, हम लोग पहले फेज़ को भी, पहली लहर में भी, दूसरी लहर में भी बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज किए थे। तो हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में फुल इक्विप्ड हैं हर चीज़ के बारे में कि उनको कैसे हैंडल करना है, तो वो मालूम है उनको। हमारी स्टाफ को भी पता है कि जैसे ही आएगा तो हमारे पास जैसे क्या होता है कि डोनिंग जोन, डोफिंग जोन, किस तरीके से पीपीई पहनना है। तो शुरुआत में दिक्कत होती थी, लेकिन अब हम लोग यहाँ ट्रेंड हैं सारे लोग, तो इसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें बस केवल एक माहौल देना है, एक जगह देनी थी कि हमारा अस्पताल, उसमें अगर कोई कोविड का आता है मरीज तो उससे इंटरफेयर ना हो कि दूसरी चीज़ें, कोई गतिविधि हम लोग को ना बंद कर पाएँ। एक बार जब पेशेंट आने लग जाएंगे या जैसे भी स्थिति होगी भविष्य में, हम लोग निर्धारण करेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। सर, प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट को भी पूरे पुनः तरीके से सुनिश्चित करने की बात कही है, किस तरह की तैयारी आप लोग की है ऑक्सीजन प्लांट को लेकर? देखिए, हमारे पास 960 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट आया था, वो हम लोग फुल्ली इक्विप्ड है, मतलब फंक्शनल है। उससे हम लोग ब्लड, वो ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर निर्बाध रूप से उससे हम लोग ले रहे हैं। उसके अतिरिक्त में हमारे पास करीब 260 जो है वो जंबो सिलेंडर भी था, जो कि पिछले वेव में काम आया था। उस तरीके से अगर ये काम नहीं कर पाएगा, 960 LPM से ज़्यादा ज़रूरत अगर हमको पड़ेगी, मरीज़ ज़्यादा आएंगे, तो हमारे पास जंबो सिलेंडर का बैकअप है, हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से है। सर, एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा। लगातार वैक्सीनेशन के मद्देनज़र जो उत्तर प्रदेश का कीर्तिमान हासिल कर रहा है, वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, अब अगर ओमिक्रॉन को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं जब निकल कर, तो वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण होगा अब आप लोगों के दृष्टिकोण से? देखिए, वैक्सीनेशन जो हम लोग के उपलब्ध संसाधन है, जो बड़ा, सबसे बड़ा हथियार है वो वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन अभी भी वैसे ही चलना है जैसे पहले चल रहा था, बल्कि हम लोग के अस्पताल में हम लोगों ने OPD के लिए पर्चे पर ही एक मोहर लगवा देते हैं कि उसने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है। तो जब वो OPD में डॉक्टर्स के पास जाता है या पैथोलॉजी में जाता है या रेडियोलॉजी में जाता है, तो उसको बार बार टोका जाता है कि भाई आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, पहला काम करिए आप जाके वैक्सीन लीजिए। चाहे हमारी ANC गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, तो डॉक्टर्स बार बार उनको कहते हैं, तो दो चार बार में कहते कहते वो तैयार हो जाते हैं, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। केवल वैक्सीन लगवाना सफिशियंट है। वैक्सीन लगवाने के बाद से, जैसे कि आपने बताया कि 16 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में लगवा लिए, ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है। हमारे अस्पताल में भी लगभग 2 लाख
लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। हमारे यहाँ सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक हमने पूरे 5 काउंटर बनाए हुए हैं। शाम को थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि भीड़ नहीं हो रही है, लेकिन किसी को भी कभी भी अब कोई रजिस्ट्रेशन पहले से ज़रूरत नहीं है, केवल एक आईडी प्रूफ लेके आना है और तुरंत उसका वैक्सीन लग जा रहा है। बड़े स्मूथली हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और इसको प्रचार प्रसारित भी करते हैं कि सब लोग आवें लोक बंधु अस्पताल में और यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने पूरे स्पेस रखा है, कहीं भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग करके अपना वैक्सीन लगवाएँ। बाकी तो 3 काम थे पहले, जो पहले तय था, मास्क पहनना, दूसरा था हाथ धुलना और फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो लोगों से अनुरोध है कि वे अभी भी शादी बारात में जो लोग जा रहे हैं या बाजार में जा रहे हैं बहुत संभल कर रहे हैं। दिसंबर बहुत हम लोगों के लिए क्रूशियल होने जा रहा है, अगर दिसंबर में हम लोग बच गए तो हम लोग आगे आराम से निकल सकते हैं कोविड में। तो बिल्कुल दिसंबर माह एक निर्णायक माह होगा, क्योंकि अगर दिसंबर में हम लोग कोविड की जो तीसरी लहर बताई जा रही है ओमिक्रॉन, अगर इससे बच जाते हैं, इस नए वेरिएंट से बच जाते हैं, तो आगे आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित होगा। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ।